मुलहेटी जो है खांसी में बहुत उपयोगी होती है और खांसी का शमन करने वाली होती है, आपके गले में आराम देने वाली होती है और गले का कफ बाहर निकालने वाली यह होती है। परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मुलहेठी जो है आपकी एसिडिटी में विशेष रूप से फायदेमंद होती है। तो आज हम मुलहेठी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके एसिडिटी में क्या क्या फायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मुलहेठी एक ऐसी औषधि है जो ठंडी तासीर की होने के बाद भी खांसी में आराम देने वाली होती है और इसकी जो ठंडी तासीर होती है, जो शीतवीर्य यह होती है, इसी कारण से यह पित्त का शमन करने वाली होती है और आपको अम्ल पित्त में यानी एसिडिटी में विशेष रूप से ज्यादा आराम देने वाली होती है, विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें एक संधानीय का गुण भी पाया जाता है, यानी कि ये जो है आमाशय में जो व्रण हो जाते हैं, जो अल्सर हो जाते हैं, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा अम्ल पित्त बनता है, उनका संधान करने वाली होती है, उनको भरने वाली यह होती है, जिसके कारण से आपके पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत में आराम मिलता है और साथ ही आपकी एसिडिटी का भी शमन होने लगता है। इसके अलावा जिन लोगों को वोमिटिंग की शिकायत रहती हो, जिन लोगों का पित्त बाहर निकल जाता हो और अचानक उल्टी होके पीला पीला पानी आता हो, उनके लिए मुलहेठी विशेष रूप से उपयोगी है। इसे छर्दी निग्रहण बताया गया है, यानी यह वोमिटिंग को रोकने वाली है, उसका शमन करने वाली है और पित्त का शमन करके उल्टी यानी वोमिटिंग की शिकायत में आराम देने वाली होती है। इसके अलावा यह आपकी प्यास बुझाने वाली होती है, इसे तृष्णा निग्रहण भी बताया गया है। तो ये सब लक्षण जो है एसिडिटी के मरीज में ज्यादा देखे जाते हैं, इसी कारण से यह अम्ल पित्त का बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत ही आसानी से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मुलहेठी जो है वह मृदु विरेचन है, यानी अगर आपको कब्ज की शिकायत हो तो उसमें आराम देने वाली है, मल को पतला करने वाली यह होती है। और इसके अलावा यह वातानुलोमन है, यानी पेट में वायु का अनुलोमन करने वाली होती है। जिन लोगों को पेट में वायु ज्यादा घूमती हो, पेट में दर्द की शिकायत रहती हो, उनको भी आराम देने वाली होती है। विशेष रूप से मुलहेठी जो है वह आमाशय की अम्लता को कम करती है और खांसी में आराम देने वाली होती है। खांसी में तो सभी लोग इसका प्रयोग करते ही हैं, परंतु एसिडिटी के लिए भी मुलहेठी का प्रयोग विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एसिडिटी में आप मुलहेठी का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। आप मुलहेठी के छोटे छोटे टुकड़े रख के और उनको चूस सकते हैं और उनको चूस कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुलहेठी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। मुलहेठी चूर्ण का प्रयोग आप अगर एसिडिटी में कर रहे हैं तो बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर कर सकते हैं। 3 ग्राम आपको मुलहेठी का चूर्ण लेना है, 3 ग्राम लगभग आपको शक्कर ले लेनी है और अच्छी प्रकार से मिलाकर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ताजी पानी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार तक इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप मुलहेठी का प्रयोग करते हैं तो आपको एसिडिटी की शिकायत में, अम्ल पित्त की शिकायत में आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों मुलहेठी के विषय में आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।